अब मैं आपको ना यहाँ का जो सबसे प्यारा और जो अमेजिंग मोमेंट है ना, जो व्यू है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ का जो गाले का इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ से व्यू आता है ना, आपको टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, टिकट लेके वहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। गाले यहाँ गाले आओ, किले पे बैठ के आप पूरा जो मैच होता है उसका आनंद लो, है ना। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ का मैं आपको एक क्रेजी मोमेंट दिखाऊंगा, तो वो आप देख पा रहे हैं। ये है पीछे इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, जिसका नाम है महिंद्रा राजापक्षे पवेलियन। तो यहाँ पे ना एक खास बात, यहाँ पे गाले जो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है ना, इसकी ये भी है कि यहाँ पे ना नाइट का कोई मैच नहीं होता, सिर्फ दिन के मैच होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लाइटिंग नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इन लोगों का ना कहना है कि ये ना मतलब एक ब्रिटिश के टाइम का, उस टाइम का ये मतलब कि पवेलियन बना हुआ है ना, तो उस चीज़ को इन्होंने ना छेड़खानी नहीं करनी है उस चीज़ से, है ना। जो पुरानी चीज़ है ना, हिस्टोरिकल चीज़ें, उनको संभाल के रखना है। तो इसके लिए ना यहाँ पे ना सिर्फ डे में मैच होता है, नाइट का कोई मैच नहीं होता। और अगर आपने ना फ्री मैच देखना हो ना, श्रीलंका आ जाना, किले पे आना, बैठ के यहाँ से आराम से व्यू देखना। मैंने पूछा कि यहाँ पे मतलब कोई रोक तो नहीं है कि अगर मैच हो रहा है भी यहाँ पे आके बैठ के देखो तो कोई मना करेगा? तो बोला भी कोई मना नहीं करता, आप आओ आराम से बैठो और मैच का मजा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये देखो यार, एक बात मैं आप लोगों को और बताता हूँ कि यहाँ का जो जो ग्राउंड आपने देखा है ना, ये गाले का इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है ना, तो जो श्रीलंका के कुछ प्लेयर है ना, जो पुराने प्लेयर थे ना, वो यहाँ इसी सिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे सबसे पहला नाम आता है जो लसित मलिंगा है ना, मलिंगा का नाम आपने सुना होगा, कितना ज़्यादा फेमस है। तो वो भी यहीं का गाले का रहने वाला था और यहीं से वो बिलोंग करता है। इसी कोई टाइम था कि वो इसी ग्राउंड में खेलता रहता था, है ना। तो आज वो देखो कहाँ पे है। तो भाई, ये था गाले का इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो आपने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।